भागलपुर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर दियारा स्थित बीपुर प्रखंड के कहारपुर निवासी सुबोध यादव ने 50 डेसीमील यानी 11 कट्ठा जमीन सरकार को दान में दे दी ताकि यहां उच्च विद्यालय का निर्माण हो और सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य गढ़ सके। कटावग्रस्त इस इलाके में कोसी किनारे एक उच्च विद्यालय था, लेकिन 2020 में कोसी नदी की तेज धारा में पूरा विद्यालय कोसी नदी की भेंट चढ़ गया। इसके बाद छोटी सी झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाई होती थी, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अधिकारियों ने जमीन खोजी, लेकिन जब उपलब्ध नहीं हुआ तो चंडिका देवी ने अपने बेटे से जमीन दान में देने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद डीईओ से कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद जमीन दान में दे दी। सुबोध यादव ने बताया कि 50 डेसीमील जमीन दिए हैं क्योंकि यहाँ जो स्कूल था 3 साल पहले कट चुका है। बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, यहाँ झोपड़ी में पढ़ाई होती थी। अधिकारी जांच में आई जमीन खोजा, कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब माँ से बात की तो वो राजी हुई, इसके बाद जमीन दे दिया। स्कूल के लिए जमीन मिलने से बच्चे उत्साहित है तो वहीं अभिभावक भी खुश हैं। बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी कहारपुर के किसान सुबोध के कदम की सराहना की है। डीईओ संजय कुमार ने कहा कि जमींदाता ने जमीन दिया है, उन्होंने माँ के नाम पर स्कूल रखने का आग्रह किया है, उनकी माँ के नाम पर स्कूल रहेगा। 50 डिसमिल जमीन दिए हैं। कितना कट्ठा हुआ? 11 कट्ठा 9 धुर करीबन। ठीक, कैसे मन में आया इतना जमीन? मन में आया कि 3 साल से स्कूल कटा हुआ था, उसके बाद जो है कि बच्चा को बहुत यहाँ दिक्कत होता था, और उसके बाद अफसर वहाँ से आए तो जांच में खोजने लगा जमीन, यहाँ पे नहीं देने के लिए कोई रेडी था। तब सोचे कि हम ही लोग दे देते हैं मम्मी के नाम से, मम्मी से पूछताछ किए तो बोला कि ठीक है जमीन दे दो, जो कि बच्चा अगर दे देते हैं तो पढ़ लिख के थोड़ा आगे भी भविष्य करेगा कुछ। गाँव का बच्चा? हाँ, सभी गाँव का बच्चा जो भी है सभी लोग यहाँ पढ़ने आएगा। लगभग कितना का जमीन होगा? जमीन तो ऐसे सरकारी रेट तो मोटा मोटी 2.5-3 लाख का होगा, ऐसे तो करीबन 7-8 लाख का है, लेकिन 2.5 लाख का जमीन सरकारी रेट है। सरकारी रेट आजकल 1 इंची के लिए मार हो जाता, मर्डर हो जाता जी, भाई भाई में लड़ जाता। आप इतना इतना जमीन सरकार को दान में दे रहे हैं, कैसे ये हुआ? यही सोचे कि यहाँ का बच्चा जो है ना बहुत दिक्कत में पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग सोचे कि अगर दे देते हैं तो कुछ दिन माँ का नाम भी रह जाएगा कि हाँ फलाने देवी ने यह जमीन जो है कि दान में दिया है, जो कि इसके नाम से स्कूल यहाँ पे बन जाएगा। बच्चा सभी पढ़ेगा? बच्चा सभी लोग का। अभी कहाँ पढ़ने जाता है कहारपुर का बच्चा? अभी गाँव में एक द्वार है, उसी पे पढ़ता है, जिसका द्वार है नागेश्वर पासवान का, दरवाजे पे पड़ता है, दरवाजे पड़ता है झोपड़ी में, जो झोपड़ी जो है आगे में नदी से थोड़ा सा दूर में है, वो भी कटाव के मुहाने। हाँ, वो कटाव के ही मुहाने पे है। क्या नाम है? सुबोध यादव। ये जमीन दान की गई है कहारपुर में जो बीहपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, उनके जान जो जमीन दाता है वो 50 कट्ठा का जमीन है से कुछ दान दिया है, और ऐसे रिक्वेस्ट किया है कि उनके जो मदर हैं जमींदाता के, उस विद्यालय का नामकरण उनके ऐसे माता जी के नाम पर किया जाए। सरकार 2020 में जो या उससे पहले जो बाढ़ आई तो कोसी का भीषण बाढ़ में वो हॉस्पिटल और हमारा विद्यालय पूरी तरह से विलीन हो गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे के विलेजर्स के मकान भी विलीन हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जो और जो दूर ऐसे के हट करके जमीन ऐसे की चिन्हित करना था, लेना था, तो वहाँ पे ऐसे ग्रामीणों ने ऐसे कि अपना जमीन दान दिया है। तो इस बार दूर सर बनाया जाए? हाँ, ये नदी से करीब हम लोग ऐसे इस बार ऐसे कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ऐसे के लिए हैं, बट कोसी के संदर्भ में कुछ कहना मुश्किल है, कारण कि आए दिन ऐसे कि उसकी धार में ऐसे कि कभी हमेशा परिवर्तित होती रहती है, तो कोसी नदी के संदर्भ में हम लोग ऐसे कि पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। हमारा नाम है जगदीश रविदास, वार्ड नंबर 4। आप लोग का भी बच्चा पढ़ता है? कहाँ पढ़ाई करता है बच्चा? अभी तो हम लोगों का कट गया है तो बीरपुर, हम रेलवे पर रह रहे हैं, बाकी जो जमीन यहाँ है 4-5 वार्ड का जो है ये यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है झोपड़ी में पढ़ रहा है। क्या जमीन मिला है कैसे? जमीन जो है वो दान पत्र में दिया है स्वेच्छा से अपने से, कि जैसे मकान बन जाएगा
स्कूल का, तो बच्चा पढ़ने लिखेगा बढ़िया से, उसके बाद भविष्य के लिए ठीक रहेगा, इसलिए अपना दान दिया है जमीन। अभी कितना दूर बच्चा पढ़ने जाता है? तो थोड़ा दूर है, नदी भित्ता से उधर थोड़ा दूर है। तो स्कूल कब कटा था? कटा है तो 1920 से स्टार्ट हुआ है, 20 के। तो अब अच्छा होगा कि यहाँ नहीं? अच्छा होगा, अच्छा होगा, मकान बन जाने के बाद, स्कूल बनने के बाद अच्छा होगा, विद्यार्थी पढ़ेगा, बच्चा भविष्य बनेगा। जमीन देने के लिए कोई इस तरह तैयार होता है ना? अगर कोई दे दिया है तो बहुत बढ़िया की बात है, स्कूल बनना चाहिए, बच्चा आगे बढ़े। हाँ, बच्चा आगे बढ़ेगा, भविष्य बनेगा। मेरा नाम जगदीश रविदास है, वार्ड नंबर 4 के हैं। अनुराधा कुमारी। पढ़ाई कहाँ होती है? झोपड़ी में होती है सर। कैसे, क्या होती है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है सर, गाँव दूर दूर से आता है सर पढ़ाने। सर दूर से आता है, झोपड़ी में पढ़ते हैं? यस। तो अभी फिर क्या, कैसे आगे पढ़ाई होगी? हम लोग सोचते हैं कि गांव में स्कूल बन जाए। गाँव में क्या बनना है? बनना है पुलिस। जमीन मिला गांव में स्कूल? हाँ, इसी बगल में वही दे रहा है जमीन। जमीन दे, तो ये फायदा होगा? फायदा काफी होगा सर, हम लोग पढ़ेंगे तो आगे में कुछ बनेंगे। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस वाली बनना है। क्या नाम हुआ? अनुराधा कुमारी। क्लास 8। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान, माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।